साईराम प्यारे बच्चों बच्चों आज हम यहाँ पर हमारी हिंदी अविरल की पुस्तक का पाठ नंबर 14 राजस्थान की सैर का आज हम यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हमने इसी पाठ का आधा अभ्यास कार्य किया था, तो अभी यहाँ पर शेष बचे हुए पाठ का आज हम यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक का पेज नंबर 116 निकाल लीजिए और साथ में एक पेंसिल भी निकाल लीजिए। यहाँ पे बच्चों देखिए प्रश्न दिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पे अनेक शब्द दिया है, इसका उत्तर हमें एक शब्द में लिखना है। भाषा को सुंदर रूप देने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए दिया है, जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, चित्रकार। इसका उत्तर एक शब्द में हमें लिखना है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, चित्रकार। इसका उत्तर आपको अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में ही लिखना है, तो जो चित्र बनाता है चित्रकार। अगला देखिए, राजस्थान में रहने वाला, तो उसका उत्तर क्या आएगा, राजस्थानी। सात दिन का समूह, सप्ताह। एक शब्द में उत्तर लिखना है बच्चों, सात दिन का समूह, सप्ताह। राजस्थान में रहने वाला राजस्थानी, लिखा बच्चों। आगे देखिए, जो संगीत से प्रेम करता है, संगीत प्रेमी, जो देश विदेश में घूमता है, जो देश विदेश में घूमता है, पर्यटक। लिखा बच्चों सबने। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द समानार्थक नहीं है उस पर सही का निशान लगाइए। पंक्ति यानी लाइन, समानार्थक शब्द नहीं है। यहाँ पे बच्चों प्रश्न को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और फिर सही का निशान लगाना है। यहाँ पे क्या पूछा है, समानार्थक शब्द नहीं है, और समानार्थक शब्द हम किसे कहते हैं, जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, प्रसन्नता का समानार्थक शब्द है, प्रसन्नता का दिया है, खुशी हर्ष ये समानार्थक शब्द है, और दुख जो है समानार्थक शब्द नहीं है, इसलिए आपको दुख पर सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों। अगला देखिए, अद्भुत का समानार्थक शब्द न्यारा अनोखा है, लेकिन अपार नहीं है, इसलिए आपको भी अपार पर सही का निशान लगाना है। पर्व का समानार्थक शब्द त्यौहार उत्सव है, पूर्व नहीं है, इसलिए आपको पूर्व पर सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों। अगला देखिए, जमीन धरती धरोहर धरा, जमीन का समानार्थी शब्द धरती और धरा है, धरोहर नहीं है, इसलिए आपको धरोहर पर सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, शब्द परिवार बनाइए। यहाँ पे एक शब्द दिया है राज, इसका हमें शब्द परिवार बनाना है, तो राजा महाराजा राजमहल। राज का क्या बनाना है, राजा महाराजा राजमहल। लिखा बच्चों सबने। अगला देखिए, वीर का हमें शब्द परिवार बनाकर वहाँ पर लिखना है, वीरांगना
वीरता, वीरता पूर्वक। इसका उत्तर भी बच्चों आपको हिंदी अविरल की पुस्तक में ही लिखना है। तो वीर के सामने लिखेंगे वीरांगना, वीरता, वीरता पूर्वक। अगला देखिए रूप का दिया है, तो रूपवान, रूपक, रूपवती, रूपवान, रूपक, रूपवती। अगला देखिए जीव का, जीवन, जीवाणु, जीवधारी, जीवन, जीवाणु, जीवधारी। लिखा बच्चों सबने? अगला देखिए अभी यहाँ पे बच्चों देखिए अगला प्रश्न देखिए, नीचे खुशी से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाइए। यहाँ पे खुशी से जुड़े हुए कुछ मुहावरे दिए हैं, उससे हमें वाक्य में उनको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे दिया है पहला आपकी हिंदी पुस्तक में दिया है पाछे खिलना, यानी कि बहुत खुश होना। तो इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है, पुत्र को देखकर पिता की बांछे खिल गई, पुत्र को देखकर पिता की बांछे खिल गई, यानी कि बहुत खुश होना। लिखा बच्चों सबने? अगला देखिए अंग अंग मुस्कराना, अंग अंग मुस्कराना, यानी कि इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो इसका भी हमें वाक्य प्रयोग करना है, अपना नया कंप्यूटर देख मेरी छोटी बहन का अंग अंग मुस्कुरा उठा, अपना नया कंप्यूटर देख मेरी छोटी बहन का अंग अंग मुस्कुरा उठा। लिखा बच्चों सबने? अगला देखिए फूला न समाना, फूला न समाना, इसका भी अर्थ क्या होता है? बहुत खुश होना। अभी हमें इसका वाक्य प्रयोग करना है, परीक्षा में प्रथम आने पर अंकिता फूली न समाई, परीक्षा में प्रथम यानी पहला स्थान, प्रथम आने पर अंकिता फूली न समाई, फूली न समाई यानी बहुत खुश होना। तो इसका वाक्य प्रयोग बच्चों आपने लिखा। अगला देखिए खुशी से झूम उठना, इसका भी अर्थ क्या होता है? बहुत खुश होना। खुशी से झूम उठना, 1,00,000 की लॉटरी निकलने पर रोहन खुशी से झूम उठा, 1,00,000 की लॉटरी निकलने पर रोहन खुशी से झूम उठा। लिखा बच्चों सबने? आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बच्चों आज हमने जो अभ्यास कार्य किए हैं आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में कर लीजिए। धन्यवाद।